गणेश सिंह जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी को और उर्वरक मंत्रालय को दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सचमुच एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी देश के गरीबों को सस्ती दवाइयाँ दी जाएं उसकी। अभी तक जो 900 से आसपास जो दुकानें खोली गई हैं, इनमें सबसे बड़ा जो प्रश्न सामने आ रहा है ब्रांडेड और जेनरिक दवाई। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में जब जेनरिक दवाई दी जाती है तो लोग उसको कहते हैं कि गुणवत्ता इसकी कमज़ोर है, ब्रांडेड लो। तो चूंकि बड़ी मात्रा में जेनरिक दवाइयां जन औषधि केंद्रों से मिलेंगी और उनके दाम भी कम हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके गुणवत्ता को बात करके और ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाए। एक तो यह विषय है, दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि उनकी गुणवत्ता में कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसकी तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि इन केंद्रों में क्या कोई ऐसा उन्होंने मैकेनिज्म डेवलप किया है जिससे इनको बचाया जा सके। माननीय सदस्य जी ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि जेनरिक मेडिसिन, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जेनरिक मेडिसिन मिलेगी, उसकी क्वालिटी के संदर्भ में क्या स्थिति है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर जो मेडिसिन मिलेगी WHO स्टैंडर्ड की ये मेडिसिन होगी, ब्रांडेड मेडिसिन से बिल्कुल कम नहीं होगी। उसके साथ साथ ये मेडिसिन बनने के बाद हमारे स्टोरेज में आती है, वहाँ भी उसका एग्जामिनेशन होता है, उसका चेकअप होता है, उसकी क्वालिटी बराबरी से WHO स्टैंडर्ड के मान्य होने के बाद ही वो जनता के बीच में जाती है। उसका मतलब ये हुआ कि ब्रांडेड मेडिसिन से जेनरिक मेडिसिन, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर मिलने वाली मेडिसिन एक क्वालिटेटिव मेडिसिन है, कम्प्लीटली बहुत अच्छी गुणवत्ता वाली मेडिसिन है। और उसका प्रमोट करने के लिए मैं आप सबसे भी सभी माननीय सदस्यों को भी प्रार्थना करता हूँ कि एक बार अपने अपने ब्लॉक स्तर पर जो डॉक्टर है उसके साथ बातचीत करके, सरकारी स्तर पर तो व्यवस्था हो रही है, सरकार ने हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन भी डिक्लेयर किया है कि आप जेनरिक मेडिसिन का नाम लिखिए। हमारी मिनिस्ट्री की ओर से भी हमने रिकमेंडेशन किया है कि सभी सरकारी हॉस्पिटल है, भारत सरकार के जो हॉस्पिटल है वो प्राथमिक स्तर पर जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करे। उसके बाद राज्य की जो हॉस्पिटल है वो भी जेनरिक मेडिसिन ही प्रिस्क्राइब करे, और उसके बाद प्राइवेट, वैसा करके तीन स्लेब में करना चाहिए। वैसा रिकमेंडेशन हमने हेल्थ मिनिस्ट्री से भी किया है और हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को वो भी लिखा है कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक जो रूल्स है उसमें बदल करके कोई भी मेडिकल स्टोर पर जाए, चाहे उन्होंने जेनरिक नाम लिखा हो या ब्रांडेड नाम लिखा हो, लेकिन उसमें जो कंटेंट है वो मेडिसिन बिना उसमें लिखा हो तो भी वो दे सके, वैसा एक प्रावधान करे। वैसा भी हमने रिकमेंडेशन हेल्थ मिनिस्ट्री को किया है और उसके साथ हम कंसल्टेशन भी करता रहेंगे, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन का रेट इतना कम होने से गरीबों को, मध्यम वर्ग को वो आसानी होती है, क्योंकि अभी समय बदलता हुआ है। उसमें ऐसी बीमारियाँ, डायबिटीज, उसकी रेगुलर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, आपको BP है उसकी रेगुलर गोली लेनी पड़ती है, तो जब रेगुलर टेबलेट लेनी पड़ती है वैसी स्थिति में उसको गरीब परिवार को ज़्यादा खर्च लग जाता है और उसकी इफेक्ट उसके परिवार पर होती है, इसलिए उसको कम रेट में मेडिसिन उपलब्ध हो, ये है विचार से हम काम कर रहे हैं।